महाभारत में एक बात आती है, कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध चल रहा था और महाभारत युद्ध लगभग लगभग अंतिम पड़ाव में था और उस अंतिम पड़ाव का परिणाम लगभग पांडव को जीत और कौरव की हार की ओर चली थी। इसी बीच में दुर्योधन बड़े परेशान थे। दुर्योधन को लगा कि हमारी हार ही होने वाला है, तो उनको एक बात सूझी, आखिर कैसे किस विधि से किस कारण से मैं इस युद्ध को हार से जीत की ओर ले जाऊं। तो उनके मन में एक बात आई, उनको किसी के पास गए और पूछे कि मैं कैसे इस युद्ध को जीत सकता हूँ। तो कहा, आप इस युद्ध को जीत तो सकते हैं, लेकिन आप इसके जो युक्ति, जो हार को जीत में बदलने की युक्ति को हम बता सकते हैं, आपको युधिष्ठिर ही आपको बता सकता है। दुर्योधन ने कहा कि उनके साथ तो लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है उनके साथ में, वो मुझे कैसे बता देगा मेरे जीत के परिणाम, जीत के लिए युक्ति कैसे बताएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो धर्मराज है, वो झूठ नहीं बोलेंगे और वही आपको हार से जीत की युक्ति वही बता पाएगा। फिर दुर्योधन ने सोचा कोई बात नहीं, जाता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। और उन्होंने दुर्योधन ने युधिष्ठिर के पास गए और फिर जब युधिष्ठिर के पास जब दुर्योधन पहुंचे तो दुर्योधन का स्वागत भी किया, बुलाए, बैठाए, पानी पूछे, जलपान कराए, सब कराए। फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि भी बताओ भाई, दुर्योधन कैसे आना हुआ। तो दुर्योधन ने बताया कि भैया ऐसी है कि मैं इस युद्ध को जीतना चाहता हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे युक्ति चाहिए, मैं कैसे इस युद्ध को जीत पाऊंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तो बड़ी सरलता है, सरल है, आप उस युक्ति को यदि अपनाते हैं हो सकता है हार के चक्कर में आप जीत भी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो माँ गंधारी है वो क्या है, अंधी है, जन्मजात नहीं, लेकिन वो आंख में पट्टी बांधी, वो सती साध्वी सावित्री है, और यदि उनके पास यदि आप जाते हैं और जा करके नंगा आप जाएंगे उसके पास, यदि वो आपको आप आंख खोल करके आप अपनी दृष्टि में उसको देख लेगा तो उसको क्या, आपका शरीर कैसा हो, आपका शरीर क्या हो, बज्र के समान हो जाएगा, आपका मृत्यु नहीं होगा और आप जीत जाएंगे। अब ये बात सुने विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन कहा कि धर्मराज है, झूठ नहीं बोल सकता है, उनके बाद में विश्वास करना पड़ा। और क्या किया, फिर उन्होंने अपने माँ के पास जाने के लिए तैयार हो गए। अब जाए गए, जाते 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 रास्ते में चल रहे थे, इसी बीच में क्या हुआ, कृष्ण को पता चल गया कि दुर्योधन तो गंधारी के पास जा रहे हैं ऐसे ऐसे काम के लिए। तो बीच में जब जाते जाते रास्ते में कृष्ण मिले तो कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन तुम इधर कैसे, कहाँ जा रहे हो, तुम नंग धड़ंग जा रहे हो बिना कपड़े के, अपने माँ के पास जा रहे हो, ऐसे जाया जाता है क्या माँ के पास। उनको भी बात लगी कि सही बात तो कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि ऐसे कैसे जाऊं। तो उन्होंने कहा कम से कम कपड़ा ना सही तो केले की पट्टी तो कम से कम अपने कमरे में लपेट लो, मर्यादा तो रखो। अब बात उनको भी समझ आई। दुर्योधन ने क्या किया, केले के पत्ते को अपने कमर में लपेटा और अपने माँ के पास गई। माँ के पास जाती है, सामने खड़ा होते हैं दुर्योधन और कहते हैं कि माँ मुझे आपसे काम है। तो उन सारी बात बताए उनको, और जब गंधारी पट्टी खोलती है और जब जब पट्टी खोली और गंधारी ने दुर्योधन को देखा तो पूरे शरीर क्या हुआ उनका, बज्र के समान कठोर हो गया उनके शक्ति से। लेकिन क्या हुआ, केले के पत्ते कमर पर लपेटे थे, वो भाग क्या रहा, कच्चा रह गया, वो बज्र के समान नहीं होगा। और कहा जाता है तो दुर्योधन का मौत उसी जंघा के मार से ही हुई।
तो मैं कहानी कहने का मतलब यह है कि जैसे दुर्योधन बिना वस्त्र के अपने माँ के पास गए और बिना किसी प्रकार के कवच किए, ऐसे ही यदि हम भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में छल कपट रहती है। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अच्छा मंदिर में लोग जाते हैं भगवान पाने के लिए जाते हैं कि भक्ति करने के लिए जाते हैं कि केवल दिया बाती जलाने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं हम कामना लेकर के जाते हैं, कहीं ना कहीं हम आशाएं लेकर के जाते हैं, किसी को तो पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई इच्छाएं, कोई ना कोई कामना लेकर के हम कहीं जाते हैं। जब हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो हमारी इच्छा क्या होना चाहिए? भगवान के दर्शन, तब हमें भगवान के दर्शन होगा। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, परिवार चाहिए, ये सब बातों में हम अटक करके वही रह जाते हैं। तो आदमी को क्या चाहिए? निर्मल होकर के कोई भी हम काम करे, भक्ति करे, भजन करे, हम सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, तो परिणाम में क्या आना चाहिए? परिणाम हमारे जीवन में क्या लाना चाहिए? हमारे जीवन में सुख, हमारा जीवन क्या सुखी हो जाना चाहिए? मन में शांति हो जाना चाहिए, मन हमारा निर्मल हो जाना चाहिए। और यदि ये सब नहीं हो रहा है, यदि हमारा मन निर्मल नहीं हो रहा है, तो समझो हमारी जो भक्ति है वो क्या है? फीकी है, हम सही नहीं कर रहे हैं। हमारी भक्ति क्या है? अधूरी है। अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं, सदगुरु कबीर ने कहा कि भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन के बिना ये क्या है? हीरे के जन्म। मानव जीवन क्या है? हीरे के समान है। क्योंकि जितने भी आप जीव जंतु को आप देखेंगे, उसमें सोचने, समझने, विचार करने, सही गलत का ये सब करने की उनकी क्षमता नहीं है। और न ही बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इस बातों को भी जानने की क्षमता नहीं है। मानव जीवन को क्या कहा है? कल्याण की भूमिका, मोक्ष की भूमिका कहा गया है, मोक्ष का द्वार कहा गया है। लेकिन हम इस अवस्था में, इस जन्म को पा करके भी हम उस शांति का काम नहीं करेंगे, मोक्ष का काम नहीं करेंगे, तो फिर जीवन तो बेकार चला जाएगा। और हम क्या करते हैं? सत्संग में जाते हैं, ज्ञान की बातों तो सुनते हैं, अच्छी लगती है, लगता है सुनते कि सुनने के समय जब लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ये काम ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं संत जन, ज्ञान की बातें जो बता रहे हैं एकदम 100% सही है। लेकिन जब व्यवहार में जब जाते हैं, घर में जाते हैं, सत्संग में हम क्या करते हैं, सुनते हैं, निंदा नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं देना चाहिए, परिवार के साथ सबके साथ मीठा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम सत्संग से उड़ के घर में जाते हैं, तो पत्नी से कैसे व्यवहार होता है, बहू से कैसे व्यवहार होता है, पुत्र से कैसे व्यवहार होता है, माँ बाप से कैसे व्यवहार होता है, हम सोचे, हम देखें अपने आप को, मेरे वाणी के माध्यम से किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रहा है, मेरे व्यवहार से कोई दुखी तो नहीं हो रहा है, यदि मेरे व्यवहार से, मेरे वाणी से कोई दुखी हो रहा है, आहत हो रहा है, तो समझो कि हमारी भक्ति अभी अधूरी है। पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्यों करते हैं? जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उन अध्ययनों से क्या लाभ? जो हमारे मन को परिवर्तन न कर पाए, हमारे जीवन में परिवर्तन न ला पाए,
लेकिन अध्ययन कुछ लोग क्या है, अध्ययन तो करते हैं, ज्ञान की बातों को अपने दिमाग में पूरा संचित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। क्यों? अपने लिए नहीं, बल्कि क्या करते हैं, दूसरे को बताने के लिए कि मैं इतना शास्त्रों का, इतना पुस्तकों का अध्ययन कर चुका हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं। लेकिन उस ज्ञान का क्या फायदा जो दूसरे, केवल दूसरे को बताने के लिए है, अपने जीवन के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान का महत्व नहीं है। हम अध्ययन करते हैं उसका भी महत्व है, हम सत्संग करते हैं उसका भी महत्व है। लेकिन महत्व कब होगा? जब हम उसको अपने जीवन में अमल करेंगे, उसको हम अपने जीवन में संचालित करेंगे, वो हम उसको जीव अपने जीवन में लाएंगे। जो हम सुनते हैं, जो हम जानते हैं, उसको यदि हम अपने जीवन में लाते हैं, तभी उसका लाभ होगा। नहीं तो जीवन चला, जीवन बीत जाएगा पूरा सत्संग करते करते, पुस्तकों को अध्ययन करते करते, ज्ञान की बातों को सुनते सुनते जीवन बीत जाएगा। और जीवन क्या होगा? सुना का सुना रह जाएगा, कोई उससे लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यकता है उन बातों को अपने जीवन में अपने लाएं, एक एक बातों को सुने। मैं नहीं कहता, कोई संत नहीं कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी बुराइयां है वो एक साथ सब छूट जाएगा। और ये भी बात सच है कि आपके जीवन में जितने भी बुराइयां हैं, कमियां हैं, दोष हैं, वो सभी दोष सभी कमियां एक साथ नहीं आया है, एक एक करके आया है। तो हम भी ऐसे करें, एक एक दोष को, एक एक बुराइयां जो है, एक एक कमियां हैं, उन कमियों को एक एक संकल्प ले। कहीं जाते हैं, संत के पास जाते हैं, सत्संग सत्संग में जाते हैं, तो हम वहां जाकर के एक संकल्प ले, जहां आपकी श्रद्धा है। मैं नहीं कहता हूं कि आप संतों को ही मानते हैं, कुछ लोग भगवान भगवान मानते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां जाकर के भी आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आज से तंबाकू नहीं खाऊंगा। ये क्या है? एक एक कमियां, एक एक बुराइयां जो है वो आप छोड़ते जाएंगे, तो निश्चित ही एक दिन ऐसे आएगा कि आपके जीवन से सारी बुराइयां, सारे दोष मिट जाएंगे। और जिस दिन हमारे अंदर के विकार जब दूर हो जाएगा, तो हम भी जिन संतों को आज पूजते हैं, जिन महापुरुष को आज नाम लेकर के उनको पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, उनका दर्शन लाभ के लिए जाते हैं, उनके वाणी के माध्यम से अपने आप को सुधारना चाहते हैं, उन संतों के समान हमारा भी जीवन हो सकता है। वैसे भी हम जीवन जी सकते हैं। आज बुद्ध को क्यों पूछते हैं, महावीर को क्यों पूछते हैं, कृष्ण को क्यों जानते हैं, राम को क्यों पूछते हैं? वो भी तो हमारे ही समान सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन नहीं, आज उनको पूजने के कारण क्या है, उन्होंने हमारे हम जैसे ही वो भी इंसान थे, लेकिन उनको आज भगवान के दर्जा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को तपाया, उन्होंने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान की अग्नि से अपने जीवन को तपाया, ज्ञान की अग्नि से अपने जीवन की बुराइयां को जलाया, तभी आज हम उनको पूजते हैं, पूजने इष्ट के दृष्टिकोण से देखते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनके माता उनके सामने जाकर के माथा टेकते हैं। यदि किसी के प्रति हमारी श्रद्धा ना हो, तो हम वहां जाकर के उनको नमस्कार नहीं करेंगे, हमारी माथा नहीं झुकाएंगे, या उनकी कही हुई बातों को हम सुनेंगे नहीं, अध्ययन करेंगे नहीं। लेकिन आज उन्हीं महापुरुषों के दिए हुए ज्ञान के माध्यम से हम दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं, या समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरे को समझाने मात्र से काम नहीं बनेगा। दूसरे को यदि हम समझाते हैं तो हमारा जीवन सुधर नहीं जाता है, हमारा जीवन बन नहीं जाता है, बल्कि उनके माध्यम से हम अपने जीवन को भी सुधारते हैं, अपने विकारों को धोते हैं, तो निश्चित ही हमारा भी जीवन वैसे निर्मल बन सकता है, हमारा मन भी वैसे निर्मल बन सकता है। लेकिन नहीं, हमें तो बुरी आदतों लगी, बुरी आदत लगी हुई है, हमें तो गलती पर गलती करने की आदत लगी हुई है,
लेकिन उन गलतियों को यदि हम दोहराते जाए दोहराते जाए दोहराते जाए तो फिर सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए आवश्यकता है जो संत जन बताते हैं, बोलिए सतगुरुदेव की, संत समाज की। इसलिए आवश्यकता है कि आज चाहे कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, जितने भी महापुरुष के वाणियां हैं, ये वर्तमान में आज जो संत गुरु हैं, उनके माध्यम से हम जो ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, उनके माध्यम से हम ज्ञान की बातें को सुनते हैं, उन ज्ञान के बातों को सुन करके यदि अपने जीवन में लाएं तो निश्चित ही हमारा भी जीवन समर सकता है, सुधर सकता है। इसलिए आवश्यकता है जीवन में उन ज्ञान की बातों को लाने की और अपने जीवन को कल्याणमय बनाने की जरूरत है। आप सभी ज्ञान की बातों को सुन करके अपने जीवन को सुधारने और निर्मल बनाने का काम करें। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय।